ना रिएक्ट, ना जैंगो, ना एमएल, कुछ काम नहीं है। मतलब बच्चे तो मेहनत बर्बाद। तो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कुशल, ये सैल्स प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। तो और एक बेहतरीन सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। तो आपकी भी इंटर्नशिप अगर वर्चुअल शिफ्ट हो गई है तो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली वर्चुअल इंटर्नशिप में होता क्या है, कैसे क्या काम होता है, कितनी परेशानी आती है, कितना मज़ा आता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैंने इनवाइट किया निशान चाहर को, जिनको शायद आप जानते भी होंगे। उन्होंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन रीच किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन हुआ हमारा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में वर्चुअल इंटर्नशिप करी थी, उन्होंने सैमसंग में वर्चुअल इंटर्नशिप करी थी। तो हमने सब कुछ डिस्कस किया, कितनी परेशानी आती है, कितना मज़ा आता है, क्या क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो प्लीज़ चेक आउट द वीडियो टू द एंड और चलिए शुरू करते हैं। तो निशांत यार, जब तुम्हें पहली बार प्रोजेक्ट बताया गया था, तुम्हारा डिस्कशन हुआ था तुम्हारे मैनेजर से, तो पहला इंप्रेशन क्या था? तो यार इंटरेस्टिंग ही था काफी। मतलब जो उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई थी, प्लस जो मेरे साथ मेरा टीममेट था वो आईआईटी बीएचयू का है, तो मतलब काफी सही था उससे इंटरेक्शन करना, उसके साथ काम वगैरह करना। वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई, आईआईटी बीएचयू कंप्यूटर साइंस, तो मतलब समझ सकते हो तुम। इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूँ तो कोई ना नहीं कह सकता। तो काफी मजा आया था प्रोजेक्ट करते टाइम। बस वही था यार, एक चीज रह गई थी, बाय मतलब ऑफलाइन होता ऑफिस में होता तो ज्यादा मजा आता, थोड़ा फन करते। बट यार ऐसे ही मेरे साथ था कि मतलब मेरा तो ऐसा था कि सब बाउंसर चला गया था, इतना कुछ मतलब उन्हें बोल दिया एक ही मीटिंग में कि मतलब तोते उड़ गए थे, क्योंकि इतना कुछ आता ही नहीं था ना उस टाइम पे। बट इवेंचुअली थिंग्स यू नो वर्क फाइन। तो यार निशान, तुमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तुम्हारी पूरी ना बीटेक की जर्नी में, अभी फाइनल ईयर चल रहा है तुम्हारा, तो कितना डिफरेंस होता है यार एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में और एक जो एकेडमिक प्रोजेक्ट तुम बनाते हो? यार हमारा जो प्रोजेक्ट था ना, वो आज सच पूरा फुली फंक्शनल प्रोजेक्ट नहीं था। उनका जो करंट कोड बेस था उस पर एक यूटिलिटी टाइप बनाई थी, तो मतलब हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करी, हमने नॉर्मल एक C++ और पाइथन पे एक यूटिलिटी टाइप की बनाई थी। तो मतलब मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि मतलब कैसे काम करना होता है एक्चुअली, जो अगर स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाते तो। बट लाइक इतना डिफरेंस था कि यार कंपाइलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो जो कोड बेस था जिसपे हमने ऊपर उस पर यूटिलिटी बनाई थी, उसमें पता नहीं लाखों लाइंस का वो कोड था, कम से कम 40-50 हज़ार लाइंस का वो कोड था। तो मतलब उसको कंपाइल करने में एरर्स आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो डिफिकल्ट तो है ही यार, मतलब एक प्रोडक्शन लेवल है, एक अपना कोड, अपने कोड कितने मतलब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इतना 5,000 लाइन 6,000 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं होते भाई। वो 50,000 लाइन उसमें एरर ढूंढ के समझ नहीं आया एरर कहाँ आ रहा है। और दूसरी बात यार, जैसे कि है ना, जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि यार C++ और पाइथन का ही सीन था, तो सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक्चुअली तुम्हें ही पता है कि कितने पापड़ बेलने पड़े थे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। हाँ यार, मतलब मेहनत तो लगी थी थोड़ी, बट सही है, हो गया था एंड में, तो एवरीवन वाज हैप्पी, मेंटर भी काफी खुश, हमारे मैनेजर वगैरह सब काफी खुश, एट द एंड सब। हाँ वो तो है, हो ही जाता है। तो यार 3 साल या 4 साल की जो भी अभी तक की बीटेक हुई है, उसमें तुमने पता नहीं हजारों बार सुना होगा डीएसए कर लो, डीएसए कर लो, कितना डीएसए काम आया वैसे इंटर्नशिप में? यार ऑनेस्टली डीएसए काम आया था, तो जो हमने यूटिलिटी बनाई थी ना, उसमें हमें बाइनरी सर्च यूज करना था। मतलब बाइनरी सर्च तो अपना एल्गोरिथम है ही, बाकी और जो हमें पाइथन में यूज करना था वो हमें वो स्ट्रिंग मैचिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब चीजें थी जो सुनी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि डीएसएल को करोगे तो काम नहीं आएगी, डीएसएल को करोगे तो वो जरूर काम आती है, इम्पोर्टेंट है डीएसएल। तो ये तो फिर तो सही है, मतलब डीएसए पढ़ना कुछ तो काम आया, ऐसे नहीं सब टाइम झोंके ही जा रहे हैं बस, चलो ठीक है। नहीं, नहीं, और यार तुमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी पढ़ी होंगी, बहुत अलग अलग टेक स्टैक्स पढ़े होंगे अपनी बीटेक की जर्नी में, अभी तक प्रोजेक्ट बनाए क्योंकि, तो मतलब यार तुमने जो पढ़ा है अभी तक वो बिल्कुल भी काम आया कि यार अच्छा ठीक है मैंने रिएक्ट पढ़ा है, जैंगो पढ़ा है, तो इसको अब मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ आया? प्रोजेक्ट में तो बिल्कुल काम नहीं आया यार, प्रोजेक्ट में बताता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट था, ठीक है, ऐसे C++ और पाइथन में यूटिलिटी बनानी थी, कुछ भी फैंसी चीज यूज नहीं करी, कोई मतलब ऐसे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं लग रही, कोई तुम्हें फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं लग रही, नॉर्मल एक अगर 12th क्लास का बच्चा करता तो वो भी कर सकता था भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा DSL वाली चीज यूज करनी थी, तो काफी चिल था भाई। मतलब कुछ लोगों का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था, जैसे हमारे उसमें मतलब हमारी टीम में हमारा थोड़ा इजी था एज कम्पेयर टू अदर्स, कुछ लोगों को पूरी यूटिलिटी नहीं बनाना थी, पूरे को ऐप वगैरह बनाता था, एंड्रॉइड बनाता था, कुछ लोगों को अपना मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पे भी
काम करना था, उनपे कुछ पेपर्स वगैरह पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना था, तो हाँ मतलब लोगों का काम था इंटरेस्टिंग और काफी मुश्किल था, बस ये लक था कि हमें थोड़ा इजी टाइप का कुछ काम मिला था एंड वो हो गया था। सही है सही, मतलब यार तुम्हारी जो इनिशियल बातें थी ना कि यार ना रिएक्ट ना जैंगो ना एमएल कुछ काम नहीं, मतलब बच्चे तो मेहनत बर्बाद, साला इतना टाइम लगाया वो सब बर्बाद हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, जो भी तुम सीख रहे हो वो डेफिनेटली तुम्हें यूज आएगा, क्योंकि मेरे टाइम पर भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मैंने कर रखी थी और इवेंचुअली मेरे को काम आई, तो डेफिनेटली तो करते रहो यार फिजिक्स भी। मतलब ये तो बस एक सिनेरियो था ना, मतलब ये तो बस एक सिनेरियो था यार, हमेशा ऐसा नहीं होता, मतलब हाँ, तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो मेरे रिएक्ट पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें बैक एंड पे काम करना पड़ेगा, फ्रंट एंड पे करना पड़ेगा, तो मतलब ये जो तुम डेवलपमेंट स्किल सीख रहे हो वो काम आएंगी। ये तो एक मतलब आ गया केस, मतलब यूनिक केस हो गया कि नहीं जरूरत पड़ी हमें, बट जनरली 99% लोगों को जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली, मेरे केस में मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ा जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, बट इवेंचुअली जो शुरू में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, बाद में जब मैंने सब कर लिया मेरे को बहुत मतलब लाइक यू नो आई वाज सो हैप्पी कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी सीखी। तो निशांत, बहुत सारी कंपनीज ने अब सिंस कोरोना हैपेंड सो बहुत सारी कंपनीज ने एग्जिट इंटरव्यूज रख दिए कि यार उन्हें साले बच्चों पे शक बहुत है, उन्हें इंटरव्यूज लेने पीपीओ देने के लिए, तो तुम्हारे केस में क्या सीन था, एग्जिट इंटरव्यूज हुए या क्या हुआ? यार सैमसंग का थोड़ा सैड सीन था। तो क्या हुआ था, हमें पहले उन्होंने बताया था तो मैं बता देंगे कि आगे प्रोसेस क्या होगा। लास्ट ईयर तक क्या होता था, लास्ट ईयर तक तुम्हारा एक टेस्ट होता था, सॉफ्टवेयर कंपेटेंसी टेस्ट, वो होने के बाद तुम्हारे इंटरव्यूज वगैरह होते थे, मतलब सैमसंग में तो कोविड से पहले ही इंटरव्यूज होते थे, कोई नई चीज नहीं थी। बट इस बार क्या हुआ, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर कंपेटेंसी टेस्ट ही नहीं लिया बिकॉज उनको ऑफलाइन लेना था, ऑफलाइन तो पॉसिबल था ही नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने सेप्टेम्बर के आसपास हमें मेल भेजा कि यार तुम्हारा पीपीओ प्रोसेस कैंसल्ड फॉर दिस ईयर, धोखा दिया है तुमने मुझे, तुम्हारा पीपीओ प्रोसेस हुआ ही नहीं। वो NITs और सब कॉलेजेस के लिए था, जो भी तुम्हारे IITs, नॉट IITs के लिए था, बस IITs को ऑप्शन मिला था PPO का एंड उन्होंने टेस्ट वगैरह दिया था, तो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह हुए थे, उनको PPO था। बेसिकली सैमसंग ने कार्ड दिया वाला, कोई बात नहीं। तो यार ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ है, और ऐसा तो है नहीं कि सैमसंग ने ही ऐसा किया, बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसा कर सकती है, तो बैकअप प्लान कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इस पे यू नो कैसे रखा जाए बैकअप प्लान और कैसे प्रिपेयर किया जाए? यार इंपॉर्टेंट होता है बैकअप, ऑनेस्टली मतलब कोई भरोसा नहीं होता किसी भी कंपनी का, एंड तुम्हें एक बैकअप यही था कि साथ साथ पढ़ते रहो, इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है उससे पहले थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, इंटर्नशिप के टाइम भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, बाय चांस पीपीओ नहीं मिला या फिर बाय चांस पीपीओ लेट आया तो क्या करोगे, तुम्हें ऑन कैंपस बैठना पड़ेगा, ऑफ कैंपस बैठना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। हाँ यार, क्योंकि जस्ट इनकेस पीपीओ भी नहीं मिला यार, कोई भी यू नो मिस ऐप हो गया तो फिर तुम्हें डीएसए से तो टच में रहना ही पड़ेगा और थोड़े प्रोजेक्ट भी बनाते रहने पड़ेंगे ताकि यू नो इवेंचुअली तुम्हें एक हो कि यार प्लेसमेंट तो ले ही लूंगा। तो निशान, तुम्हारे अकॉर्डिंग इंटर्नशिप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए बिफोर द प्लेसमेंट, और क्या एक कंपल्सरी है? कंपलसरी नहीं है यार, बट एक एड ऑन हो जाता है। जैसे मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ऑन कैंपस, उसमें से अपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, इंटर्नशिप के बारे में पूछा था, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है तुम्हारे पास अगर तुमने एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करी है कि यार तुमने हाँ इंटर्नशिप करी है। बाई चांस पीपीओ नहीं भी मिला तो भी तुम्हारे पास एक एज है अबव अदर्स, क्योंकि तुमने एक उस एनवायरमेंट में काम किया हुआ है, तुमने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, तुमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम किया है, तो वो एक तुम्हें एज मिलता ही है थोड़ा सा। बट कंपलसरी नहीं है, कुछ लोगों को होता है कि नहीं मिलती ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस, वो लोग प्लेसमेंट में बैठते हैं, उनकी प्लेसमेंट लग जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज को चाहिए, बट इट्स जस्ट अ प्लस। यस, बिल्कुल सही बात है, एक दिख जाता है यार बच्चे को पहले से एक्सपीरियंस है वर्क एनवायरमेंट का, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है, उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी, एक नए यू नो फ्रेशी पे जितनी मेहनत करनी पड़ती है इंटर्न पे उससे कम मेहनत करनी पड़ती है, तो वो अपना ही फायदा देख रहे हैं, स्टूडेंट का कोई फायदा नहीं है इसमें। तो निशांत, तुमने वहाँ पे एक टीम में काम किया था, ठीक है, तो की टेक अवे क्या रहा, क्योंकि सिंस यू हैव एक्चुअली यू नो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी तुमने एक टीम के साथ एक टेक जायंट में, तो क्या उस पर्टिकुलर वर्क फ्लो से तुमने क्या सीखा, क्या की टेक अवे था तुम्हारा? यार टीम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक कई बार होता है ना तुम अकेले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते रहते हो, बट अगर तुम ग्रुप में करोगे तो वो प्रॉब्लम एक तो सिंपलर हो जाएगी, तुम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो एंड तुम वो चीज़ कर सकते हो जो तुम्हें आती है, फिर अगर तुम डिवाइड करोगे तुम उससे पूछ सकते हो दूसरे बंदे से कि यार ये मेरे को समझ नहीं आ रहा बताओ कैसे करना है, और अकेले तुम घंटों तक ढूंढ करोगे तुम्हें शायद तब भी समझना है, तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है अगर तुम टीम के साथ काम करते हो, तुम मतलब वर्क ऑफ लेबर कह सकते हो या फिर वर्क डिविजन टाइप का कुछ कह सकते हो एंड तुम उससे हेल्प वगैरह ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। पर यार आइडियाज का ब्रेनस्टॉर्म भी होता है, बिकॉज इतने सारे लोग जब एक ही प्रॉब्लम के लिए सोचते हैं तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं और उससे सीखने को बहुत मिलता है। बिल्कुल,
और यार सिंस तुम्हारी इंटर्नशिप वर्चुअल थी, तुमने इंटरेक्ट कैसे किया अपने यू नो अपने तुम्हारी टीम में कोई कुछ इंटर्न्स होंगे, तुमने उनके साथ इंटरेक्ट कर लिया, बाकियों के साथ इंटरेक्ट कर पाए थे या फिर नहीं हो पाया जो कि ऑफलाइन शायद हो जाता? नहीं यार वो रह ही गया, बस इंटरेक्शन जो था वो लिमिटेड ही था, अपना जो ग्रुप थोड़े बहुत व्हाट्सएप पे बने हुए थे उसमें भी इतनी ज्यादा बात नहीं होती थी, प्लस जो मेन जो इंटरेक्शन था वो मेंटर से एंड अपने जो टीममेट से थे उनसे ही होता था, जो इन जनरल क्योंकि सैमसंग में अराउंड 300 इंटर्न्स थे, तो अगर ऑफलाइन होते तो शायद काफी ज्यादा लोगों से मिलते, बट अब ऑनलाइन में तो नहीं पॉसिबल था वो, तो नहीं हुआ था। बिल्कुल सही बात है यार, ऑफलाइन होते तो मतलब वीकेंड्स पे तो खतरनाक चिल होता सारे यू नो कोइंटर्न्स के साथ, बट कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू निशान, इंटर्नशिप में कितना डिफरेंस पड़ जाता है अगर आप एक स्टार्टअप में इंटर्न कर रहे हो यार या फिर एक टेक जायंट में इंटर्न कर रहे हो? यार मतलब वर्कलोड का शायद मेरे हिसाब से डिफरेंस होता होगा स्टार्टअप में और एक टेक जायंट में, ठीक है, जैसे वही चीज है कि स्टार्टअप में सारी चीजें बिल्ट नहीं हो रखी होती, तुम्हें कुछ चीजें स्क्रैच से भी बनानी पड़ेंगी, तुम्हारे पास शायद ज्यादा गाइडेंस ना हो क्योंकि सब लोग ज्यादा काम कर रहे होंगे, तुम्हारे पर भी वर्कलोड ज्यादा होगा। टेक जायंट में थोड़ा सा अपोजिट होता है कि लोग थोड़े फ्री होंगे बिकॉज वर्क ऑफ मतलब डिविजन ऑफ वर्क काफी अच्छे से होता है एंड तुम्हें एक लिमिटेड टाइम वगैरह काम वगैरह करना होता है एंड गाइडेंस काफी अच्छी होती है। गाइडेंस स्टार्टअप में भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि स्टार्टअप वाले लोग भी बहुत एक्सपीरियंस एंड सब कुछ होते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हाँ वो तो है यार, थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है टेक जायंट में बिकॉज उन्हें पता है कि इतने इंटर्न्स आने हैं, क्या काम करवाने, सब फिक्स रहता है। स्टार्टअप में थोड़ा सा लोड ज्यादा रह जाता है क्योंकि एक आपको यू नो आउट ऑफ द लीग जाके चीजें नई सीखनी पड़ती है और यू नो एक्चुअली बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है वहाँ पे। एक चीज और होती है जैसे जो ये तुम्हारी बिग एमएनसीज होते हैं उनमें ना ऑनबोर्डिंग के बाद कुछ कोर्सेज होते हैं जो तुम्हें कोर्सेज देते हैं कि अच्छा ये चीज सीखनी है तो ये कर लो, ये चीज सीखनी है ये कर लो। स्टार्टअप्स में वो चीज नहीं होती, तुम्हें खुद रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, तुम्हें खुद रिसोर्सेज ढूंढ के उनको उससे सीखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों। हाँ, ये चीज तो है। तो यार बहुत मजा आया निशांत तुम्हारे साथ बात करके, तुमने काफी यू नो स्निपेट्स बताए अपने इंटर्नशिप के, और आई गेस क्योंकि अब भी वर्चुअल इंटर्नशिप करेंगे स्टूडेंट तो उन्हें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी तुम्हारे एक्सपीरियंस से, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर यू नो अपकमिंग एंडेवर्स एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू यार फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल और कांग्रेचुलेशंस, 1000 हुए थे थोड़े दिन पहले सब्सक्राइबर्स तेरे एंड ऐसे ही ग्रो करता रहना, बस वीडियोस कंसिस्टेंटली डालते रहो और मतलब बस करते रहो लोगों की हेल्प। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू अगेन फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स, बहुत ही मेहनत करी यार तूने और इतनी जल्दी इस माइलस्टोन को रीच किया, ऐसे ही काम करता रहे, बहुत अमेजिंग कर रहा है। थैंक यू। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ऐसी और कंटेंट बहुत सारा कंटेंट आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर करो यार शाउट आउट के लिए और सपोर्ट के लिए, भाई को सपोर्ट करते रहो, शेयर बहुत ज्यादा करो यार वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।